हेलो गाइस, मेरा नाम हसन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं परफ्यूम रिव्यू इंडिया। और आज मैं आप लोगों के लिए थोड़ी सी एक यूनिक वीडियो लाया हूँ। और ये वीडियो है कि आपको अपना ब्रोकन स्प्रेयर कैसे फिक्स करना है। तो देखिए, मैंने तकरीबन 3 बॉटल्स अपनी तोड़ी हैं। एक इसमें से ये डीलिन ब्लू है, ये काफ़ी गंदे तरीके से डैमेज हुई है, लेकिन फॉर्चुनेटली सबसे अच्छी बात यह है कि ये लीक नहीं हुई। इसमें अच्छा खासा भी जूस है, देखिए अगर दिख रहा हो तो। और इसका स्प्रेयर वो बहुत नहीं दिखेगा, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसका जो पाइप है स्प्रेयर का वो यहाँ से अलग हो गया और स्प्रेयर जो है काम कर नहीं रहा है, कुछ नहीं निकलेगा इसमें से। और ये इसका कॉलर ऑलमोस्ट, और ये काफ़ी गंदा टूटा है। तो मेरी एक एलेक्सा की बोतल थी वो भी टूटी है, और एक हवास की बोतल है जो कि मेरे दोस्त की थी, उन्होंने तोड़ी है। तो मैंने हवास को पहले से उसका ट्रीटमेंट कर दिया है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में कि उसको कैसे फिक्स किया। और रही बात इसकी, तो ये भी बताते हैं। तो आपको चाहिए क्या चीज़ें? तो कैमरामैन सर, मैं थोड़ा कुर्सी फिक्स कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आपको चाहिए बॉटल, जो कि आपकी टूटी हुई बॉटल होनी चाहिए। और दूसरा ये सिरिंज, क्या बोलते हैं इसको, सुई, अरे जो इंजेक्शन। और तीसरी ये बॉटल। तो अगर आप परफ्यूम कलेक्टर हैं तो आपके पास ये एक्स्ट्रा आई थिंक 2-3 बॉटल होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी आपकी बॉटल टूट सकती है और उसमें आप जो फिल कर सकते हैं। तो 2-3 एक्स्ट्रा बॉटल ये होनी चाहिए। ये मैंने लिया है, एक मेरे दोस्त हैं दिल्ली के, ललित कौशिक, तो ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बॉटल्स के लिए। मैं इन्हीं से लेता हूँ, और भी कई जगह हैं जहाँ से आप ले सकते हैं, लेकिन मुझे अच्छे प्राइसेस और काफ़ी जल्दी मिल जाते हैं। और ये एक आपके पास टूल होना चाहिए, बहुत सख्त होना चाहिए जिससे टूट जाए, जैसे कि मेरे जो कैमरामैन है इनकी क्रश का दिल पिघल ही नहीं रहा है। तो सबसे पहले आपको करना क्या, ये आप वॉश बेसिन के पास करिए। मैं नहीं कर रहा क्योंकि मेरा जो वॉश बेसिन वहाँ पे लाइट अच्छी आ नहीं रही, रोशनी है नहीं ज़्यादा, तो वीडियो बहुत गंदी बनेगी। तो इसके लिए आपके कॉलर वॉलर सब रिमूव कर दें। और अभी ऑपरेशन कैसे करना है मैं बताता हूँ। तो ये लेना है आपको, और जाकिर भाई की जो सख्ती है उसी से आपको इसको क्रैक करना है। तो और बहुत मजबूत है यार वर्साची। कहीं गंदा टूटे वहीं थोड़ा क्या, थोड़ा ही थोड़ा सही ट्रेन में गिरेगी ना। और ये हो गया कांड इसका, अभी फिलिंग प्रोसेस चालू है। तो पहले देखेंगे, अगर नीडल लग के आ जाएगा तो और बढ़िया रहेगा, नहीं आ रहा है नीडल से, नहीं आ रहा तो डायरेक्ट मुझे लगता है इसमें दोस्तों चीज़ें कम पड़ गई थी। तो ये एक चीज़, एक कप बढ़ाना पड़ा, तो इसको अब इसमें डाल लेते हैं। ये कप मैंने साफ़ कर दिया बहुत अच्छे से, और उसके बाद आप लीजिए ये नीडल, ये फिल करना है इसमें ऐसे। और ये परफ्यूम जो है मैं पिछले तकरीबन 5-6 महीने से नहीं यूज़ कर पा रहा हूँ, उसकी वजह यही है कि ये बॉटल टूट गई थी और लगा सकते नहीं थे, तो काहली में इतना टाइम हो गया। तो ये रही अपनी बॉटल, जो कि अब जाएगी कचड़े में, हो सकता है इसको अब रीसेल कर देंगे बहुत सस्ते में। और तो ये रही अपनी बॉटल, इसमें हो गया। अब इसका, अब अगर आपको स्टिकर लगाना है लगा सकते हैं, वो भी मैं तो लगाऊंगा नहीं, मुझे तो पता चल जाता है कौन सा परफ्यूम है कौन सा नहीं। और मेरे हिसाब से अगर आपके पास परफ्यूम कलेक्शन है तो 1-2 बॉटल ऐसी होनी चाहिए, ताकि अगर फ्यूचर में ऐसी कुछ अनफॉर्चुनेट चीज़ हो तो आपके पास एक बैकअप रहे, ताकि आप उस फील कर सको ये चीज़ें। और हवास की जो बॉटल थी वो, उसको भी मैंने दोपहर में किया था, तब लाइट अच्छी थी इसलिए उसको बेसिन के वक्त पास किया था। अभी लाइट है नहीं, शाम है, तो मैं इसको रूम में ही कर रहा था। तो एक काफ़ी शॉर्ट वीडियो थी, इसके और भी तरीके होंगे, मैंने इंटरनेट पे ट्राई किया कि मिल जाए लेकिन नहीं मिला, तो मैंने यही एक तरीका चूज़ किया। और अभी ज़बरदस्त स्प्रे कर रही है, तो लगा रहे परफ्यूम। तो
तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और आपसे फिर मुलाकात होती किसी और वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।